ताजनगरी आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क परिसर में यमुना सांस्कृतिक महोत्सव लगने जा रहा है। महोत्सव का आयोजन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। यमुना सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान अपने आगरा की संस्कृति जैसे कथक, वाद्य यंत्र आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आगरा का ताज नगरी के रूप में देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आगरा की कुछ संस्कृति ऐसी है जो देश विदेश के लोग ही नहीं, आगरा की जनता भी नहीं जानती। इसी संस्कृति को जनता और देश विदेश तक पहुंचाने के लिए यमुना सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगरा की संस्कृति को देश की जनता ही नहीं, विदेश की जनता भी पहचान सके। इस महोत्सव में जो आगरा से जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे वो आगरा की कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक वाद्य यंत्र हो, मतलब जो लोक संस्कृति को समाहित करेगा वो इस विश्वविद्यालय के सहयोग से हम सबको दिखाई दे मतलब देगा। क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम? जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता है, भगत का भी होना है, और कथक खाना की अब अपनी ब्रज की अपनी लोक की संस्कृति नहीं, आगरा की भगत होना है, नौटंकी है, जिकड़ी है। अभी हमने इसको समाहित नहीं किया, लेकिन आगरा में ऐसी बहुत सी लोक कलाएँ हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। नगाड़ा जो बजाते हैं उसकी उत्पत्ति आगरा में सबसे ज़्यादा उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, लेकिन आज उसको बजाने वाले लोग ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू हों, ऐसी कलाओं को मंच पर लाया जाए। नौटंकी की विधा शायद आप लोगों को नहीं पता कि बचपन में हम सुनते थे नौटंकी नौटंकी, सब आता है नौटंकी नौटंकी क्या होती है। भगत की तरह ही उसे गायन के तरीके से मंच पर उसे कलाकारों के माध्यम से मंचन किया जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।